बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। एक नजर हेडलाइंस पर। पापुआ न्यू गिनी में 7.4 तीव्रता के भूकंप के झटके, प्रशांत महासागर में सुनामी की चेतावनी। मलबा हटाने में भारतीय सेना की मदद लेगा नेपाल, पहले चरण का अभियान पूरा, राहत और बचाव के बाद अब पुनर्वास पर जोर। रियल स्टेट रेगुलेटरी बिल पर आज राज्यसभा में होगी चर्चा, कांग्रेस का संशोधनों पर ऐतराज, स्थायी समिति के पास भेजने की मांग। फ्रांस के रक्षा मंत्री के साथ आज राफेल की खरीद पर होगी चर्चा, रक्षा मंत्रालय की 1,10,000 करोड़ रुपए की रक्षा सौदे को मंजूरी, 90% मेक इन इंडिया के तहत। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के 350 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी, बागियों ने उठाया आंतरिक लोकतंत्र का मुद्दा, महिला आयोग के सामने आज कुमार विश्वास की पेशी। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। पापुआ न्यू गिनी में 7.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र प्रशांत महासागर में बताया जा रहा है और इसके बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण एजेंसी यानी USGS के मुताबिक भूकंप का केंद्र पापुआ न्यू गिनी के रबाउल शहर के दक्षिण में प्रशांत महासागर में करीब 150 किलोमीटर नीचे था। सुनामी की आशंका के बीच तटीय इलाकों से लोगों को हटाने की चेतावनी भी दी गई है। भूकंप भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7:10 के आसपास आया। और खबर नेपाल से, जहां सरकार ने 34 से ज्यादा देशों के राहत और बचाव दलों को वापस जाने को कहा है। नेपाल की केंद्रीय प्राकृतिक आपदा राहत समिति ने कहा कि खोज और बचाव का काम लगभग पूरा हो चुका है और बाकी काम नेपाल के बचाव दल पूरा कर लेंगे। हालांकि नेपाल भारतीय सेना से मदद लेना जारी रखेगा। इस बीच भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर की टीम वहां मलबा हटाने में मदद के लिए आज जाएगी। नेपाल में भूकंप आने के 10 दिन बाद अब मलबे के नीचे लोगों के जिंदा बचे होने की उम्मीद कम हो चुकी है। ऐसे में नेपाल सरकार ने इन देशों से विशेषज्ञों को छोड़कर बाकी बचाव दल को वापस बुला लेने को कहा है, जो भूकंप पीड़ित इलाकों में राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। NDRF ने इसे प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। ऑपरेशन अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स की उतनी उपयोगिता नहीं रही है, इसीलिए नेपाल सरकार ने यह निर्णय लिया है और उन्होंने ये हम लोगों को बताया है और अनुरोध किया है कि वो अपनी अपनी टीमों को अपने अपने देश में वापस भेजें। भूकंप पीड़ित इलाकों में भारत समेत 34 देशों के 4,500 लोग राहत और बचाव के काम में लगे हैं। नेपाल में भारत के राजदूत रंजीत रे ने कहा कि भारत आगे भी नेपाल को हर जरूरी मदद मुहैया कराता रहेगा। पूरा योगदान होगा भारत का, जो नेपाल सहायता मांगेगा, चाहे रबल रिमूवल के लिए है, चाहे रिलीफ के लिए है जो कि हो ही रहा है, या रिहैबिलिटेशन के लिए है, भारत सरकार का दृढ़ निश्चय है कि जो हम कर सकेंगे, जो सहायता हम दे सकेंगे नेपाल को, जो नेपाल चाहेगा वो हम करेंगे। We have to thank the government of India. Within 6-7 hours of time, with the, all the necessary equipments, the flight from Delhi had reached in Kathmandu. It helped a lot and it survived many people. नेपाल में पूरा जोर राहत और पुनर्वास के काम पर है। भूकंप पीड़ित इलाकों में मलबा हटाने और लोगों तक जरूरी चीजें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच माउंट एवरेस्ट में पर्वतारोहण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, जिससे भारत समेत कई देशों के पर्वतारोही परेशान है। 25 अप्रैल को नेपाल में आए भूकंप से अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस प्राकृतिक आपदा का 80 लाख लोगों पर बुरा असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और नेपाल में राहत और बचाव अभियान के बाद अब सरकार का जोर लोगों के पुनर्वास पर है। अब तक 7,365 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि नेपाल के विदेश मंत्री के मुताबिक मरने वालों की तादाद 10,000 तक हो सकती है। इन सबके बीच अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात करके नेपाल के ताजा हालात पर चर्चा की। भूकंप से तबाह हुए नेपाल में अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि अब भी लोगों को बिजली पानी जैसी मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी आदमी से कॉल से ज्यादा आदमी चौल पल हो रहा है, पर आदमी से आ रहा है जा रहा है,
दुकान सब खुल रहा है। इस बीच नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 10,000 को पार कर सकता है। There may be 10,000 people to be dead, it is supposed, but we wish it not have to be in that number. But the final number will be at the time when we will complete to remove the debris and find out what the reason is. भारत नेपाल में 25 अप्रैल को भूकंप आने के फौरन बाद वहां राहत और बचाव अभियान में जुट गया था। नेपाल ने भी भारत से मिली सहायता के लिए शुक्रिया अदा किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि नेपाल सरकार ने काम बंद करने को कहा है ताकि पुनर्निर्माण और पुनर्वास का काम शुरू किया जा सके। इस बीच यूरोपियन यूनियन ने नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए 16.6 मिलियन की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। That the European Commission has approved financial support worth 16.6 million euros to assist Nepal after the devastating earthquake. भारत की ओर से चलाया गया ऑपरेशन मैत्री विदेश में अब तक का सबसे बड़ा अभियान रहा है। नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने सबसे पहले वायुसेना के विमान भेजे थे, साथ ही बचाव टीमों और राहत सामग्री को भूकंप आने के 6 घंटे के अंदर भेज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टेलीविजन। और बात संसद में कामकाज की, राज्यसभा में आज रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पर चर्चा होगी। कांग्रेस समेत कई दल इस बिल को बिल्डरों के हित में बता रहे हैं। कांग्रेस ने यूपीए सरकार के पुराने विधेयक के प्रावधानों को लागू करने की मांग की है। दिल्ली में घर खरीदारों ने बिल के खिलाफ कल प्रदर्शन भी किया, जिसका कांग्रेस ने भी समर्थन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार को एनसीआर फ्लैट बायर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल को लेकर विरोध जताया। फ्लैट खरीदारों ने संशोधित विधेयक को खरीदारों के हक के खिलाफ बताया है और बिल में किए गए संशोधनों को हटाने की मांग की है। इसमें तो ऐसी अमेंडमेंट डाल दी गई है जो गली गली से सारा को जो मान लीजिए आपको हमने अपने हमें दो हाथों से दिया वो ऐसे छेद करके दिया थैले में कि हमारे पास जब तक थैला आएगा उसमें तो खाली होगा, रेत तो सारी निकल जाएगी। बिल को इसी सेशन में इसी में पास कर दिया जाए राज्यसभा के, ना कि स्टैंडिंग कमेटी में भेजे। कांग्रेस ने फ्लैट खरीदारों की मांगों का समर्थन किया है। कांग्रेस का कहना है कि नए संशोधित विधेयक में बिल्डर को परियोजना के निर्माण की तय समय सीमा को विशेष परिस्थितियों में बढ़ाने की रियायत दी गई है। कांग्रेस ने मांग की है कि ऐसे में यूपीए सरकार की ओर से लाए गए पुराने विधेयक के प्रावधान मंजूर होने चाहिए। हमारा ये मानना है कि सारे संशोधन जो भारत में चाहते हैं भारत में इंसान में रखते हैं वो सारे चेंज होने चाहिए और वो तेरा के स्वरूप में आना चाहिए। जो हमारे एग्जिस्टिंग हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको लागू होना चाहिए। अगस्त 2013 में यूपीए सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी विधेयक राज्यसभा में पेश किया था। स्टैंडिंग कमेटी ने फरवरी 2014 में अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट पेश की। मंगलवार को नए संशोधनों के साथ राज्यसभा में ये विधेयक विचार और पारित करने के लिए लाया जाएगा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। वहीं लोकसभा में बजट सत्र के अब 4 कामकाजी दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन सरकार के सामने कई अहम बिल पारित कराने की चुनौती है। जीएसटी, काले धन पर कानून के साथ भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक सहित कई बिल अटके पड़े हैं। 8 मई को लोकसभा की कार्यवाही खत्म होने से पहले इन सभी विधेयकों का पारित होना मुश्किल नजर आ रहा है। 4 दिन के अवकाश के बाद मंगलवार को संसद की कार्यवाही फिर शुरू हो रही है। सरकार की कोशिश है कि जीएसटी, जुवेनाइल जस्टिस संशोधन विधेयक, रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल, काले धन से जुड़ा विधेयक और भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक इसी सत्र में पारित हो। सरकार को विपक्ष के दबाव में जीएसटी पर चर्चा और वोटिंग टालनी पड़ी थी। लोकसभा में फाइनेंस बिजनेस तो लगभग पूरा हो गया है, राज्यसभा में होना है। उसके अतिरिक्त रियल एस्टेट बिल है वो राज्यसभा में आएगा, साथ ही साथ जो है वो ब्लैक मनी से संबंधित एक कानून है वो भी आएगा, दिल्ली हाई कोर्ट और कमर्शियल कोर्ट से संबंधित बिल है उस पर भी चर्चा होनी है। उसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण बिल हैं कंपनी एक्ट से संबंधित हैं जो कि चर्चा होंगी, रिपीलिंग अमेंडिंग है और कई और हैं। तो मुझे लगता है कि राज्यसभा में सकारात्मक ढंग से सब लोगों से चर्चा हो रही है और चर्चा भी होगी और ये बिल पास भी होंगे। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को सरकार राज्यसभा में वापस लेना चाहेगी। सरकार की योजना इस बिल को लोकसभा में पेश करने की है।
लोकसभा में अगर सरकार ये बिल लाती है तो उसके लिए इसे पास कराना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिर भी राज्यसभा में उसके लिए मुश्किलें मौजूद हैं। और उसके बाद जो है वो सभी स्टेक होल्डर से सभी से चर्चा करने के बाद उसमें एक परिवर्तन किया गया, वो परिवर्तन किसानों के हित में है, वो परिवर्तन विकास के हित में है, वो परिवर्तन पारदर्शिता को के लिए है। तो उसमें विरोध करना और ये कहना कि साहब हम इसका विरोध करेंगे चाहे जो हो जाए, हमें लगता है ये हठधर्मिता है। मंगलवार को लोकसभा में GST और राज्यसभा में रियल एस्टेट बिल को कार्य सूची में रखा गया है। इन पर सरकार के धैर्य और कौशल की परीक्षा होगी। इन दोनों ही बिलों पर विपक्ष संसदीय समितियों में चर्चा की मांग कर रहा है। श्याम सुंदर, राज्यसभा TV। कांग्रेस भूमि अधिग्रहण बिल पर अपना विरोध तेज करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि ये बिल किसान विरोधी और 2013 में लाए गए बिल से किसान समर्थक कई प्रावधान हटा दिए गए हैं। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के इस बयान की भी निंदा की, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि यूपीए द्वारा लाए गए बिल में अस्पतालों, स्कूलों और सड़कों के लिए जमीन लेना संभव नहीं था। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस 2013 के बिल में किसी भी बदलाव के लिए सहमत नहीं है। सोशल नेटवर्किंग से जुड़ी कंपनी फेसबुक ने भारत समेत दुनिया के 9 देशों में internet.org के जरिए अपनी सेवाओं की शुरुआत की। देश में रिलायंस के साथ साझेदारी में शुरू हुई इस योजना के तहत उपभोक्ता एप्लीकेशन के जरिए फेसबुक सहित 33 वेबसाइटों से फ्री इंटरनेट के जरिए जुड़ सकते हैं, जबकि बाकी के लिए पैसे अदा करने होंगे। नेट निरपेक्षता को लेकर आज राज्यसभा में TMC ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएगी। नेट न्यूट्रलिटी यानी इंटरनेट की आजादी को लेकर देश में बहस सड़क से लेकर संसद तक पहुंच चुकी है, लेकिन इसी बीच सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने सोमवार को रिलायंस के साथ साझेदारी में internet.org सेवाओं की शुरुआत कर दी। internet.org के उपाध्यक्ष क्रिस डेनियल के मुताबिक भारत सहित अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कुल 9 देशों में ये सेवाएं शुरू हुई हैं, जिससे इंटरनेट से वंचित रहे करीब 80 लाख लोग बेसिक इंटरनेट से जुड़ सकेंगे। इसके तहत रिलायंस मोबाइल सेवा का उपयोग करने वाले उपभोक्ता ऐप के जरिए फेसबुक सहित 33 वेबसाइटों को मुफ्त में सर्फ कर सकेंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन शर्तों के साथ होगा, जैसा कि कुछ सर्च करने के लिए गूगल की बजाय माइक्रोसॉफ्ट के बिंग का इस्तेमाल करना होगा, गूगल के इस्तेमाल पर अलग से फीस चुकानी होगी, जॉब सर्च के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद baba.jobs वेबसाइट मुफ्त होगी, लेकिन अगर naukri.com या कोई और साइट सर्च करनी है तो अलग से पैसे देने होंगे। इसी को नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ माना जा रहा है, हालांकि फेसबुक ने इसका बचाव किया है। internet.org is non-exclusive and it is free. It is free to users, it's free to content providers and Facebook is not paying money to operators. It's open to all. The essential principles of net neutrality as we understand it is that it should prevent discrimination, but at the same time we also believe universal connectivity is promoting access and we think internet.org is consistent with both these principles. हालांकि internet.org पर नेट न्यूट्रलिटी और फ्री इंटरनेट के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगने के बाद कई ई कॉमर्स कंपनी और कंटेंट डेवलपर्स फेसबुक के इस प्लेटफॉर्म से हटने का ऐलान कर चुके हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई को भी नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर करीब 10 लाख ईमेल मिले हैं। संचार मंत्रालय ने भी नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर एक समिति का गठन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। फ्रांस से सीधे 36 राफेल युद्धक विमान खरीदने पर बातचीत इसी महीने शुरू होगी। फ्रांस के रक्षा मंत्री की आज भारत यात्रा के दौरान बातचीत के तौर तरीके को अंतिम रूप दिया जाएगा। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने कहा कि दोनों देश इसके लिए समिति का गठन करेंगे और तय समय में बातचीत पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान 36 राफेल विमान खरीदने पर सहमति बनी थी। ये सौदा करीब 6 अरब डॉलर का है और पारिकर ने कहा कि अगले 2-3 महीने में रक्षा खरीद नीति भी तय हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने 1,10,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को अनुमति दे दी है। इनमें से 90% खरीद मेक इन इंडिया अभियान के तहत की जाएगी। मोस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट वी डू नाउ इवन इफ दे हैव टू बी ग्लोबल वी हैव अ वेरी स्मॉल ग्लोबल कंपोनेंट एंड मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट टू बी मेक इन इंडिया। सेबी या टेलीकॉम सेक्टर की तरह रेलवे में भी एक नियामक संस्था बनाई जाएगी। रेल मंत्रालय ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे में निजी पूंजी आकर्षित करने के लिए नियामक तंत्र बनाए जाने की वकालत की है। इससे निजी भागीदारी में भी सार्वजनिक हित को बनाए रखने में मदद मिलेगी, साथ ही निजी क्षेत्र को निवेश की सुरक्षा मिल सकेगी। रेल मंत्री ने ऐसी संस्था पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से एक रोड मैप तैयार करने को कहा,
जब रोड मैप तैयार हो जाएगा तो आम जनता से भी राय ली जाएगी। रेल मंत्री ने जानकारी दी कि मंत्रालय अगले 3 से 4 साल में सभी प्रमुख स्टेशनों पर वाईफाई सेवा मुहैया कराने की योजना पर काम कर रहा है। केंद्र सरकार की विधि आयोग को स्थायी संस्था बनाने की योजना है ताकि इसके कामकाज में निरंतरता बनी रहे। विधि आयोग सरकार को जटिल कानूनी मुद्दों पर राय देता है। फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट हर 3 साल पर आयोग का पुनर्गठन करता है। आयोग के पुनर्गठन के बाद आयोग को चलाने के लिए एक नए अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। विधि और कार्मिक मामलों से संबंधित संसद की स्थायी समिति के पास कानून सचिव ने यह जानकारी दी। विधि आयोग 1959 से लगातार काम कर रहा है। 2010 में यूपीए सरकार ने एक मसौदा कैबिनेट नोट तैयार किया था जिससे विधि आयोग को वैधानिक दर्जा दिया जाए और विधि मंत्रालय ने भारतीय विधि आयोग विधेयक 2010 लाने का विचार रखा था, लेकिन फिर इस पर आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। खबरें लगातार जारी है, लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा टीवी की टीम है कश्मीर घाटी के गांव में। यह रसूखदार कश्मीरी पंडितों का एक बहुत बड़ा गांव था। कश्मीर से रुखसत हो चुके हैं पंडित। कश्मीरी पंडित यहां के थे, यहां के हैं और यहां के रहेंगे। क्या लौटेंगे वो वापस? देखिए कश्मीरी पंडितों के पलायन और पुनर्वास की कहानी, हमारी स्पेशल रिपोर्ट बेबस परिंदे उजड़े दयार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। अधिकार क्षेत्र को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में विवाद बढ़ता जा रहा है। संविधान विशेषज्ञों का भी मानना है कि उपराज्यपाल चाहें तो दिल्ली सरकार की सभी फाइलें देख सकते हैं। नियमों के मुताबिक दिल्ली सरकार उपराज्यपाल को इससे रोक नहीं सकती। उपराज्यपाल नजीब जंग के इस बयान के बाद दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। संविधान विशेषज्ञ भी मानते हैं कि दिल्ली विधानसभा की ओर से बनाए गए सभी कानूनों को स्वीकृति देने का अधिकार उपराज्यपाल के पास है। यही नहीं, दिल्ली सरकार के गठन के लिए बनाए गए कानून और नियमों के तहत मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की भूमिका उपराज्यपाल को सरकार चलाने में सलाह देने तक है। यहाँ तक कि उपराज्यपाल बगैर सलाह के अपने विवेक से फैसले भी ले सकते हैं। अगर टकराव और बढ़ता है तो राष्ट्रपति उपराज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर फैसला करेंगे। जिस मामले में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई अधिकार नहीं है उसके बारे में वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। दूसरी बात यह है कि जो लॉ पास होता है असेंबली में वो लॉ लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाता ही है, तो इसलिए चीफ मिनिस्टर के लिए ये कहना कि कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास काफी काम है इसलिए फाइल मत भेजना, ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट नहीं है। दरअसल ये पूरा विवाद दिल्ली सरकार के उस आदेश से हुआ है जिसमें सभी फाइलें उपराज्यपाल को नहीं भेजने को कहा गया है। इसके बाद उपराज्यपाल कार्यालय ने बयान जारी कर ये आदेश वापस लेने को कहा है। दिल्ली का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसका एक अपना महत्व है और मुख्यमंत्री का भी अपना एक महत्व है। ये पूर्ण राज्य नहीं है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। इस चीज को समझना चाहिए। हम लोग तो सब जो संवैधानिक दायरे के अंदर में रह करके ही बात करना चाहिए और काम भी उसी दायरे में ही करना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको इस तरह संविधान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और सिस्टम से भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दिल्ली सरकार का दावा है कि भूमि, कानून व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर सारे अधिकार उसके पास हैं और केंद्र सरकार के आदेशों से भी ये साफ है। दिल्ली सरकार का कहना है कि वो अपने अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। रविंद्र सिंह श्योराण के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास अब एक नए विवाद में फंस गए हैं। पार्टी के एक महिला कार्यकर्ता ने दिल्ली महिला आयोग में कुमार विश्वास के खिलाफ शिकायत की है। आरोप लगाया है कि कुमार विश्वास से अवैध संबंधों की अफवाह के चलते उनकी पारिवारिक जिंदगी तबाह हो रही है, जिसके बाद महिला आयोग ने कुमार विश्वास को आज पेश होने को कहा है। कुमार विश्वास से अपनी सफाई में पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा था कि पहले आप FIR करो, उसके बाद मैं मीडिया की एक छोटी सी बाइट करवाऊंगा जिसमें मैं साफ साफ कहूंगा कि मेरा आपसे कोई मतलब नहीं, आप मेरी छोटी बहन हो। उसके बाद मैंने जब जहां जहां कंप्लेंट कर दी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने कुमार विश्वास को चिट्ठी पोस्ट करी, कुमार विश्वास से 3 बार मिलने गई, कुमार विश्वास 3 बार मुझे नहीं मिले।
आम आदमी पार्टी की इस महिला कार्यकर्ता का दर्द सुनने के बाद महिला आयोग ने कुमार विश्वास को मंगलवार को पेश होने को कहा है। इज्जत का सवाल है, एक मुस्लिम महिला है, उसका परिवार टूट रहा है उनकी वजह से, तो उनको सामने आके उसका बचाव करना चाहिए। हालांकि दिल्ली महिला आयोग से नोटिस मिलने के बाद कुमार विश्वास और पार्टी दोनों ही सफाई देने सामने आए। एक लड़की जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि कुछ ट्रॉल्स जिनमें बाकायदा नाम है, जिनमें एक भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता का भी ट्रॉल रिकॉर्ड है कि ये मेरे बारे में गलत बातें फैला रहे, मेरा ऐसा कोई किसी से संबंध नहीं है। उसको लिखवाए हुए 15 तारीख से आज इतने दिन हो गए, पुलिस ने आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं करा, किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं करी। उसकी किसी भी शिकायत में कहीं से भी किसी भी प्रकार का अवैध संबंध किसी से भी न लिखा गया है, न दर्शाया गया है, न कहा गया है। पार्टी की महिला कार्यकर्ता का ये भी आरोप है कि कई लोग उसे साजिशन बदनाम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी उसकी छवि खराब की जा रही है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के करीब 350 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। कार्यकर्ताओं ने प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव को पार्टी से निकालने के विरोध में ये फैसला किया है। इस्तीफा देने वालों में पश्चिम महाराष्ट्र इकाई के संयोजक मारुति भापकर भी हैं। केजरीवाल को लिखे पत्र में उन्होंने पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया है। मारुति भापकर ने कहा कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटकती जा रही है। आम आदमी पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है, सिद्धांतों से भटकी है, अपना रास्ता भटकी है, इसलिए ये पार्टी अभी बीजेपी और कांग्रेस से भी आगे जाके काम कर रही है, उनके जैसा ही काम कर रही है। इसलिए हम लोग बहुत आहत है, दुखी है। हमने जो हमारा सपना लेके ये पार्टी को हमने शुरू में स्थापित किया था, वो सपना पूरा चकनाचूर हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने परंपरागत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के अलावा स्मार्ट सिटी, औद्योगिक गलियारों और रेलवे के विकास के साथ मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया अभियान में एशियाई विकास बैंक से भागीदार बनने की अपील की। अजरबैजान के बाकू में एडीबी की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि 2015 और 2016 में भारत में विकास दर 7.5 से 8% रहने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने एडीबी को बड़ा और बेहतर करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एडीबी को 2020 तक 20 अरब डॉलर के सालाना कारोबार का लक्ष्य करना चाहिए। साथ ही उन्होंने एडीबी को बहुपक्षीय विकास बैंकों में मॉडल बनने पर जोर दिया। अरुण जेटली ने कहा कि भारत एडीबी का सबसे बड़ा ग्राहक है और दोनों की भागीदारी को अगले स्तर पर ले जाने की जरूरत है। रिटेल क्षेत्र में कल एक बड़ा फैसला हुआ। फ्यूचर ग्रुप और भारतीय रिटेल ने विलय का फैसला किया है। किशोर बियानी की अगुवाई वाला फ्यूचर ग्रुप भारतीय रिटेल को अपने नियंत्रण में लेगा। 750 करोड़ रुपए का यह सौदा पूरी तरह से शेयर अदला बदली के आधार पर होगा। भारतीय रिटेल के फ्यूचर ग्रुप के खुदरा कारोबार से मिलने के बाद ये देश में सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेनों में से एक बन जाएगी। सौदे के तहत भारतीय रिटेल को तुरंत 500 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर मिलेंगे, जबकि 250 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों को बाद में तब्दील किया जाएगा। फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी ने कहा कि दोनों कंपनियों के रिटेल बिजनेस का विलय करके दो अलग अलग कंपनियां बनाई जाएंगी, जिसका कुल टर्नओवर 15,000 करोड़ रुपए होगा। तेजी से बढ़ते देश के रिटेल सेक्टर में दो दिन के भीतर ये दूसरी प्रमुख घोषणा है। रविवार को आदित्य बिरला समूह ने अलग अलग फैसले में अपने सभी अप्रैल रिटेल बिजनेस को एक कंपनी के नीचे लाने का ऐलान किया था। अगले हफ्ते चीन यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की सोशल नेटवर्किंग साइट वेइबो से जुड़े। वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय नेता हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी पहली पोस्ट में लिखा है, नमस्ते चीन। प्रधानमंत्री ने लिखा कि वो वेइबो के जरिए चीनी दोस्तों से बात करने के इच्छुक हैं। पहले ही घंटे में उनकी पोस्ट को करीब 7,000 हिट्स मिले। कई यूजर्स ने प्रधानमंत्री का इस साइट पर स्वागत किया और चीन में इस साइट के करीब 50 करोड़ यूजर हैं। पाकिस्तान चुनाव न्यायाधिकरण ने रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक के चुनाव को खारिज कर दिया है। 2013 में हुए आम चुनाव में उन पर धांधली का आरोप था। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी माने जाने वाले साद रफीक लाहौर सीट से सांसद थे। ट्रिब्यूनल ने फैसले के मुताबिक इस सीट पर 60 दिनों के भीतर दोबारा चुनाव कराने का फैसला लिया है। रफीक के खिलाफ धांधली की शिकायत उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे हामिद खान ने की थी। आम चुनाव में गड़बड़ी के मद्देनजर पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी और अवामी तहरीक पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन भी किया था।
अफगानिस्तान में तालिबान के हमले में 17 पुलिस जवानों की मौत हो गई है। कबदक्शवा में एक पुलिस चौकी को निशाना बनाकर यह हमला किया गया था। तालिबान ने वीडियो जारी करके इस वारदात की जिम्मेदारी ली है। राजधानी काबुल में सरकारी कर्मचारियों के एक बस में आत्मघाती हमला हुआ जिसमें एक सरकारी कर्मचारी की मौत की खबर है। माना जा रहा है कि इस घटना से तालिबान के साथ सुलह की सरकार की कोशिशों को धक्का लगा है। हाल ही में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के एक गुट के बीच अमन बहाली के मद्देनजर वार्ता हुई थी। अफगानिस्तान में तालिबान के दो गुट हैं जिसमें से एक गुट शांति का पक्षधर है। हिंदी फिल्म संगीत के नायाब रत्न संगीतकार नौशाद साहब की आज पुण्यतिथि है। उन्हें सबसे ज्यादा कामयाब संगीतकार भी माना जाता है। नौशाद साहब सार्थक फिल्म संगीत के पैरोकार थे और यह बात इससे भी साबित होती है कि 64 साल के लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने महज 67 फिल्मों में ही संगीत दिया। आइए याद करते हैं इस महान कलाकार को। बेमिसाल धुनों की ये गहराइयां, सुरीले साजों की ये सरगम, गोया इन्हीं धुनों से सुबह होती है और इनसे ही होती है शाम। नौशाद साहब ने जब हिंदी सिने संगीत की दुनिया में दस्तक दी तो उन्होंने फिल्म संगीत के मिजाज को ही बदल डाला। बतौर संगीतकार उनकी पहली फिल्म प्रेम नगर आई लेकिन बड़ी पहचान मिली रतन फिल्म के संगीत से। वो जाने वाले बाल मुआ, लौटे आ, लौटे आ। लोक धुनों शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक के साथ उन्होंने कई नायाब प्रयोग किए तो अपने गीतों में पियानो का भी उम्दा इस्तेमाल किया। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। बैजू बावरा, मदर इंडिया, मुगले आजम जैसी फिल्मों को कालजयी बनाने में उनके संगीत का बड़ा योगदान रहा। नौशाद साहब की लिखी गजलों का संग्रह आठवां सुर नाम से प्रकाशित हुआ। उन्हें दादा साहेब फाल्के समेत कई पुरस्कारों से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पापुआ न्यू गिनी में 7.4 तीव्रता के भूकंप के झटके, प्रशांत महासागर में सुनामी की चेतावनी। मलबा हटाने में भारतीय सेना की मदद लेगा नेपाल, पहले चरण का अभियान पूरा, राहत और बचाव के बाद अब पुनर्वास पर जोर। रियल स्टेट रेगुलेटरी बिल पर आज राज्यसभा में होगी चर्चा, कांग्रेस का संशोधनों पर एतराज, स्थायी समिति के पास भेजने की मांग। फ्रांस के रक्षा मंत्री के साथ आज राफेल की खरीद पर होगी चर्चा, रक्षा मंत्रालय की 1,10,000 करोड़ रुपए की रक्षा सौदों को मंजूरी, 90% मेक इन इंडिया के तहत। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के 350 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी, बागियों ने उठाया आंतरिक लोकतंत्र का मुद्दा, महिला आयोग के सामने आज कुमार विश्वास की पेशी।